गुड मॉर्निंग एवरी वन, सुचिता हेयर। आई होप एवरीबडी इज़ हैप्पी एंड एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, कल कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था घर पे। चलो हम उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये वीडियो आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, समथिंग लेफ्ट मी ऑन शॉक। आपको पता है क्या हुआ? सच में बताते हुए भी मुझे ना थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है। मतलब इसलिए घबराहट सी हो रही है कि मैं ये कह रही हूँ, टाइम कैसा चल रहा है, कैसा टाइम चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता है क्या हुआ? अभी मेरे एक फेसबुक में कुछ टाइम पहले किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है, उनके कॉमन फ्रेंड भी थे, तो ठीक है मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, बट बहुत था उनका कि ये वो लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा नैक करना, नेगेटिव कमेंट्स देना, नेगेटिव पॉइंट फेसबुक पर उठाना, और काफ़ी लोगों को सामने से अटैक करना कर रही थी। मेरा भी कोई एक ऐसा इशू हो गया था एक छोटा सा, जिसकी वजह से मुझे उनसे कनेक्ट होना पड़ा। एंड शी इज़ वेरी अलर्ट टू मी। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, मैंने एक्सेप्ट किया। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, मैंने अपना वीडियो उनको शेयर किया, जैसे मैं आप ये वीडियो बना रही हूँ, शी ब्लॉक मी। कैन यू इमेजिन, शी ब्लॉक मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, तो मैंने उनको आज बोला, जब वो फोटो पोस्ट कर रही हैं, सब कर रही हैं, तो भाई अगर आपने मुझे ब्लॉक किया है तो आप मेरे को फेसबुक पर भी ब्लॉक कीजिए ना। अगर आप मुझे ब्लॉक करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर क्यों ब्लॉक कर रही हैं? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ, मैं आपसे कभी मिली भी नहीं हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे उसमें भी ब्लॉक कर दीजिए। फिर व्हाट इज़ द बिग डील, होगा क्या इस चीज़ से? अब जब मैंने उनको बोला, तो व्हाट्सएप में एक्चुअली जब मैंने उनको वीडियो डाला था, तो उन्होंने सिर्फ एक चीज़ मुझसे कंफर्म करी कि आप आमी वाइफ हैं। मैंने कहा हाँ जी मैं आमी वाइफ हूँ, बस इतना बोला था मैंने, दैट्स इट। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला। अब मैंने उनको क्या बोला है कि मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो जो फेक ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। आई एम जस्ट टेलिंग अ नॉर्मल थिंग कि नो बडी रिस्पेक्ट, जहाँ तक मुझे लगता है। आई विल नॉट यहाँ पे जनरलाइज, मैं सबको नहीं बोलूंगी, बट मैं सिर्फ इतना कहूँगी कुछ लोगों से मेरा इंट्रैक्शन हुआ है जो इग्नोर करते हैं मुझे कि भाई मैं आमी फैमिली से हूँ, तो ठीक है करते रहे। तो मैंने उनको सिर्फ यही लाइन लिखी कि जब और लोग करते हैं यहाँ पे इस सिटी में, तो आप भी कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप डिलीट कर दीजिए मुझे फेसबुक से। और मैं उस लेडी और जनता को ये कहना चाहती हूँ, देखिए इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। आपको मेरा वीडियो देखना है देखिए, आपको मेरा वीडियो नहीं देखना है आप मत देखिए, इट इज़ ऑल अप टू यू। कौन सा मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि नहीं आप देखिए, या आपका फोन स्विच ऑन कर रही हूँ मैं? देखिए प्लीज़, तो डोंट टेल एनी बडी कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू योर स्टोरी ब्लंटली ऑन समबडीज फेस। दैट्स कॉल्ड रूड, एंड दैट्स वॉट शी डिड टू मी, एंड आई एम रियली शॉक्ड। देखिए आप, कोई इंसान अपना वीडियो बना रहा है, अपनी जर्नी आपसे शेयर कर रहा है, मत कीजिए लाइक ना, मत कीजिए सब्सक्राइब, मत कीजिए कुछ। मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं किया है, वो तो बाई चांस आपको चला गया है, बिकॉज वो जब आप सिलेक्ट करते हो तो सडनली वो चूज हो गया है। अब वो इसलिए हो गया, यू आर नॉट इवन माई फ्रेंड, वी डोंट इवन टॉक ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक। कभी कभी मैं आपको लाइक और कमेंट कर देती हूँ, और आप मुझे कह रहे हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू योर स्टोरीज, प्लीज़ मत सुनिए। मैं तो कहूँगी सुनना भी मत, और प्लीज़ जिसे नहीं सुनना है मत सुनिए। लेकिन मुझे जितना प्यार मिल रहा है मैं उससे बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, कि जितना मुझे मिला है अभी तक प्यार, बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू, बहुत सीरियसली, इसलिए मुझे इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ, बताइए। देखिए मैं आपसे सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे जानकार, मेरे दोस्त, सब लोग प्लीज़ एक बार समझिए कि आपकी जो सेफ्टी होती है वो घर से शुरू होती है। आप लोग फेसबुक में अनजाने जाने अनजाने स्टोरीज डालते हो, अपने बच्चों के बारे में डालते हो, अपनी फैमिली के बारे में डालते हो, काफ़ी चीज़ें आप डालते हो, आपको पता नहीं है कि वो इंसान है कौन जिसको आपने एक्सेप्ट किया है। तो प्लीज़ ये अपना ना थोड़ा, जो आप सेफ्टी वाली बात करते हैं और आप चाहते हो कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, या लोग जाने नहीं कि आपके बारे में ज़्यादा और मिस यूज़ ना करो करें उस चीज़ों को, तो प्लीज़ जस्ट बी केयरफुल, यू चेक आपके फेसबुक में है कौन। और ये बात मैं बहुत सीरियसली आप लोगों को बोल रही हूँ, जो आज मेरे साथ हुआ है ये तो ये इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, भगवान ना करे किसी के साथ कोई और इशू हो जाए। आप इतने सारे देखते हो एपिसोड, लोगों के साथ बहुत इंसिडेंट हो जाते हैं आजकल, ठीक है आप सोशल मीडिया में हैं ओपनली, या फोटो पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, बट ट्राई नॉट टू पुट द प्लेस नेम, जगह का नाम मत डालिए, अपनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिए, और क्या कहते हैं ऐसी फोटो डालिए सिंगल ट्राई, कि आपको कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर सके। काफ़ी फेसबुक में भी सेटिंग्स हैं, आप प्लीज़ डू दैट, और प्लीज़ उनको निकाल दीजिए। ये आज फिर वही है कि मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, आपको करना है। आपको लगता है कि आपको अपने नंबर्स दिखाने हैं लोगों को कि भाई मेरे 5000 फ्रेंड्स है, या मेरे 4000, या मेरे 3000 फ्रेंड्स है, इट्स ऑल अप टू यू। आई एम जस्ट वार्निंग यू, एंड सो मेनी इंसिडेंट हैपन टू मी। मैंने वही कहा है कि कम फ्रेंड्स से अच्छा है, कोई कोई इंसिडेंट और कोई इशू आपकी लाइफ में हो, है ना, या आपके थ्रू ऐसा है कि देखिए मैं आपको एक बात और बताती हूँ, अगर मेरा कोई फ्रेंड बन रहा है अनजान, तो वो मेरे 10 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। आई नो देर इज़ अ ऑप्शन ऑफ सेटिंग ऑल्सो कि मेरे फ्रेंड्स कोई नहीं देख सकता, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। आई टैग पीपल, अगर मैं कुछ पोस्ट कर रही हूँ तो मैं लोगों को टैग भी तो करूँगी, तो हो सकता है वो टैग के थ्रू किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे, फिर कुछ हो जाए। वाई टू क्रिएट अ क्राइम, क्राइम के लिए हम लोग ये सारी चेन बनाने की ज़रूरत क्या है? तो प्लीज़ बी केयरफुल,
एंड यू नो जस्ट ट्राई नॉट टू एक्सेप्ट द पीपल टू हुम यू डोंट नो. अगर आप जानते हो उसको तो ऑफकोर्स देर इज़ नो हार्म. अगर मिले भी हो एक दो बार देर इज़ नो हार्म. मे बी देर इज अनदर पर्सन नेबर नेक्स्ट टू यू और बट जस्ट ट्राई यू नो. और किसी को बुरा नहीं लगता. अगर आप नहीं एक्सेप्ट करोगे तो नहीं एक्सेप्ट करोगे. कोई दुश्मनी थोड़ी है. इट इज़ जस्ट अ फेसबुक. फेसबुक में आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते मत कीजिए. बाद में जब आप उससे मिल लोगे या कभी मिलते हो तो बोल देना हाँ नहीं किया एक्सेप्ट. भाई मैं आपको जानती नहीं हूँ तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ. प्यार से बोलिए. लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बोल दो कि भाई क्यों एक्सेप्ट करूँ क्या एक्सेप्ट करूँ. नाइसली एक्सप्लेन द पर्सन और से यू डिडंट गेट द नोटिफिकेशन यू डिडंट गेट एनी थिंग से लाइक दैट और से यू डोंट यूज़ यू नो यू डोंट यूज़ फ्रीक्वेंटली फेसबुक. कुछ भी आप कह सकते हो. बट मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़ मत कीजिए मत एक्सेप्ट कीजिए. एक ये लेसन है मेरे लिए. मैंने इस लेडी को गलत उससे करा तो देखिए मुझे बेवजह किसी को मतलब कोई रीज़न ही नहीं था. अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है मुझे झाड़ के चली गई फॉर नो रीज़न. थोड़ा मैंने भी बोला बदले में ऐसा नहीं है. लेकिन कोई आपको सामने से बेवजह कुछ भी बोल रहा है यू नो थोड़ा अच्छा नहीं लगता. चलो कोई बात नहीं लाइफ. मैंने उन्हें बोला आप मुझे फेसबुक से डिलीट कर दीजिए फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है. तो मुझे कहती है कि डोंट ब्रिंग आर्मी इन बिटवीन. अरे मेरी समझ में नहीं आता मैं आर्मी को बीच में लेके क्यों आऊँगी. इट इज़ मी माई हस्बैंड इज़ इन देयर एंड मेरी फैमिली है. मैं इतने सालों से हूँ मुझे पता है. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि हम लोगों के लिए एक गलत सा बनाया गया है. एनीवेज मैं ये बोलना चाहती हूँ ये मैसेज उन लोगों के लिए है. क्लियरली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई भी लेडी जिसका हस्बैंड बहुत हाई पोजीशन में होता है और बहुत हाई ओहदे पे होता है आपको क्या लगता है कि उनकी वाइफ हमेशा हर वाइफ उसको यूज़ करके आगे बढ़ती हैं. उसकी डिग्निटी उसकी पोजीशन का इस्तेमाल करके अपना जो भी करना होता है लाइफ में वो करती हैं. जैसे मेरे इवेंट्स हैं यहाँ पे इस सिटी में मैं इवेंट करती हूँ. मैं अपनी मेहनत से करती हूँ मेरा हार्डवर्क है. काफ़ी लोग तो जानते भी नहीं है कि मेरा हस्बैंड किस पोजीशन में है और वो क्या है. उसकी पोजीशन मैंने कभी यूज़ नहीं की है या मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है मैंने कभी ये बात नहीं की है. और मैं सीरियसली आई एम रियली शॉक्ड. यू नो व्हाट आई डिड आई जस्ट ब्लॉक्ड हर एवरीवेयर इवन ऑन फेसबुक इवन इन मैसेंजर इन एवरीवेयर. एंड दिस काइंड ऑफ फेक पीपल आई डोंट अंडरस्टैंड. ये मोर्चा लेके किसी तीसरे के लिए लड़ाई करती हैं बाहर. जब मैंने इनको बोला कि मेरे साथ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन यू नो व्हेन यू हैव विद योर फ्रेंड आप बोलते हो कि आप इसको जानते हो. हम कहते हैं हाँ लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था. मुझे कहती है मुझे प्रूफ भेजो मुझे उस थर्ड पर्सन के प्रूफ भेजो और मैं उसका उसको कन्फ्रंट करूंगी. अरे तुम कौन हो. एक तरफ आप उससे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल रही हो कि भाई मुझे कन्फ्रंट करना है और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी मुझे सारे के सारे प्रूफ दे दो. अरे क्यों दो प्रूफ. अगर हम दो लोगों का झगड़ा होता है तो ये उनके बीच की बात होती है ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. बहुत सी चीज़ें होती हैं. क्या पता मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से है किसकी गलती है. यू कांट से एंड यू कांट एक्चुअली मी आई कैन नॉट जस्टिफाई सम टाइम. प्रूफ मेरे पास है ऑफकोर्स बट मैं प्रूफ क्यों दूँ. वो हमारे हम दोनों के बीच की बात है. अब हो सकता है कि वो लेडी किसी मेरे लिए ख़राब हो सकता है वो 20% लोगों के लिए ख़राब हो या 60% लोगों के लिए ख़राब हो बट एटलीस्ट वो 40% के लिए अच्छी भी है ना. शी इज़ वेरी गुड राइट. मे बी आई एम नॉट सेइंग शी इज़ गुड टू मी. शी इज़ नॉट गुड टू मी. वी आर नॉट गुड टू ईच अदर. वी डोंट लाइक ईच अदर. बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये लोगों को हो क्या गया है. लोगों को मतलब बात बात पे फिट पड़ते हैं इनको. सॉरी लेकिन मैं तो यही यूज़ करूँगी वर्ड. इनको फिट पड़ते हैं लिटरली फिट हैं ये. आप किसी को जानते नहीं हो आप वहाँ भेज दो. मुझे कह रहे हो डोंट ब्रिंग आर्मी. हेलो व्हेन डिड आई ब्रिंग आर्मी इन बिटवीन. ये मैं लाइफ जर्नी बता रही हूँ अपनी अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है. हाउ आई बीन ट्रीटेड बींग अ सिंगल वुमेन ऑल अलोन हेयर इन दिस सिटी बींग ए नॉर्थ इंडियन. नो आई एम नॉट हैविंग एनी फ्रेंड्स. इट्स नॉट दैट आई कैन नॉट हैव फ्रेंड्स. कल मैं पार्टी में जाना शुरू करूँ मुझे 50 दोस्त मिल जाएंगे राइट लेकिन वो दोस्त बना के मुझे क्या करना है आप मुझे बताइए. विद द गॉड ग्रेस आई हैव एवरीथिंग. मैं दोस्त भी बना सकती हूँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ. लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि हो क्या गया है लोगों को यार. आप किसी को कुछ भी मुंह पे बोल देते हो आप किसी को भी इंसल्ट कर देते हो. आप मतलब पहले तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो और दो सामने वाले बंदे ने इसलिए एक्सेप्ट करी क्योंकि सोचा चलो यार उम्र में भी बड़ा है और चलो ठीक है. बाय द वे आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी है नहीं. आप खुद से कुछ है नहीं. मैं बहुत कुछ हूँ. मुझे मेरे हस्बैंड का नाम यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ये टॉपिक तो मैं लाइफ जर्नी पे बता रही हूँ. अगर मैंने आपको ये बताना शुरू किया कि मैंने अपनी जर्नी लाइफ की कहाँ से शुरू करी तो मेरे हस्बैंड का तो टॉपिक ही नहीं आएगा ना उसका इस मामले में नाम आएगा. जो भी मैं आपको जर्नी बता रही हूँ आई डोंट नीड टू ब्रिंग हिम. लेकिन जैसा कि मैं प्रेग्नेंट और एक जर्नी के इशू में बना रही हूँ जो भी मतलब उस मैटर में बना रही हूँ वो इसीलिए है ताकि लेडीज़ जो अकेले रहती हैं उनको थोड़ी सी हिम्मत मिल सके है ना. क्योंकि आप हमेशा हर किसी से बात नहीं कर सकते. अभी देखिए मेरे साथ कैसा हुआ. ये बम्बार्ड हुआ सडनली किसी ने मुझे इस तरीके से बिहेव किया मेरे साथ. तो भाई
क्या हो गया आप लोगों को, थोड़ा सही से रहिए, आराम से रहिए। मैंने बोला है गोज अराउंड कम्स अराउंड, आपको क्या लगता है कि मैं एक अबला नारी की तरह बिहेव कर रही हूँ? जी नहीं, मुझे कोई अबला नारी की तरह बिहेव करने का कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे हस्बैंड का नाम यूज़ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एज आई सेड, मेरी खुद की आइडेंटिटी है, अगर मुझे उसका नाम यूज़ करना होता, उसका अपना बैकग्राउंड यूज़ करना होता, तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती मैम। सो क्लियरली दिस मैसेज टू दिस कि भाई सोच समझ के बोलो, दूसरों को आप हर्ट कर तो देते हो, दूसरों के लिए आप बोल तो देते हो, लेकिन एक एक सेल्फ कुछ होता है आपके अंदर कि थोड़ा सा कि आप बोल क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो, थोड़ा सा तो होना चाहिए आपके अंदर, है ना? तो प्लीज़ अभी इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। मेरे लिए आई एम टेलिंग यू दिस लेफ्ट मी इन शॉक। कल रात को माई बेबी वॉज नॉट वेल, थोड़ा हो गया था इधर उधर, तो मुझे लगा था कि मैं आप लोगों को उसमें से एक सीख जो मैंने सीखी कल रात को वो मैं आपको दूँ, लेकिन ये तो टॉपिक ही चेंज हो गया है बिल्कुल। या बिकॉज आई एम रियली शॉक्ड आफ्टर हर बिहेवियर। चलिए क्या कर सकते हैं, मैंने एज आई सेड कि मुझे भी किसी से बोलना था तो मैंने आपसे बोल दिया। और एक बात, और ये लेडी मुझे भेजती है स्क्रीन शॉट कि इसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, इसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, बट आई डेंट कमेंट ऑन दैट। अगर कोई आपको रिक्वेस्ट भेजा, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। पर मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ ये वीडियो बंद करने से पहले। फेसबुक में प्लीज़ प्लीज़ आप 5,000 दिखाने के लिए किसी को भी ऐड मत कीजिए। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड आई एम वार्निंग यू। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि एक लेडी है, लड़की का अकाउंट है और उसमें कम से कम 45 म्यूचुअल फ्रेंड हैं, और आप कैन यू बिलीव मेरे पास स्टिल वो सब कुछ है। जब मैंने उन सबको इन्फॉर्म किया, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये कोई लड़का है, लड़की नहीं है। जब मैंने इन लोगों से पूछा जो कॉमन फ्रेंड थे 45, इनमें से कम 20-25 लोगों से पूछा आप इसे जानते हो, सबने कहा नहीं, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फ्रेंड हमने इसे एक्सेप्ट किया है। मैंने सबको बकायदा बताया है कि ये फेक अकाउंट है। मैंने उन 45 लोगों में से एटलीस्ट 40 लोगों को मैसेज करके ये बोला है कि दिस इज़ फेक सो एंड सो फेक पर्सन, प्लीज़ रिमूव फ्रॉम रिमूव इट इज़ अप टू यू, बट प्लीज़ रिमूव दिस पर्सन फ्रॉम योर फेसबुक अकाउंट। क्योंकि आजकल क्या होता है कि वो आपका फोटो यूज़ कर सकते हैं, दे कैन यूज़ एनी थिंग, मिस यूज़ भी होता है। देखिए, जहाँ पॉजिटिविटी है हमारी टेक्नोलॉजी की, वहाँ नेगेटिविटी भी है, ठीक है, वहाँ नेगेटिव यूज़ भी होता है, वहाँ गलत तरीके से भी यूज़ हो सकती हैं चीज़ें। तो मैंने अपना काम कर दिया। अब आपको डिलीट करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, बट मैंने अपना काम किया और मैंने इन 40 लोगों को इन्फॉर्म किया। इसीलिए मैं कह रही हूँ, हो सकता है कोई जेनविन भी हो, क्यों किसी के चाचा मौसी ताए को आपको ऐड करना है जब आप जानते ही नहीं हो, है ना? तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। तो आज का लेसन मुझे बहुत बड़ा मिला है कि फेसबुक में आप किसी को भी ऐड मत कर लो, किसी को भी। खैर मेरे ज़्यादा है नहीं क्योंकि मैं नहीं करती हूँ, एटलीस्ट ऑलमोस्ट 3,000 रिक्वेस्टेड आई डिनाई, आई डिलीट इट इमिडिएटली, आई डोंट इवन कीप इट ऑन माई विंडो, बिकॉज मुझे बहुत अजीब होता है वो इतने सारे देख के नंबर्स, यू नो आई गेट टू अनॉयड विद दैट। तो मैं क्या करती हूँ, सीधे डिलीट कर देती हूँ। मे बी दिस मैसेज यू नो गोज टू दैट पर्सन की आई डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट। हाँ ठीक है भाई, मैं आपको जानती नहीं हूँ तो मैं क्यों ऐड करूँगी? तो इसीलिए प्लीज़ डोंट गो फॉर नंबर्स, डोंट गो फॉर फेसबुक नंबर्स। प्लीज़ 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 क्वालिटी ऑफ पीपल, योर फ्रेंड्स, योर नोन पीपल, अगर आप किसी को एक बार भी मिले हो फेस टू फेस तो प्लीज़ ऐड दैट पर्सन, लेकिन ऐसे ही किसी को ऐड मत करो। या चलो, थैंक यू सो मच, दैट वॉज माई एक्सपीरियंस, बट आई मूव ऑन, आई हैव माई कप ऑफ टी अगेन। आई सेट, आज मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस इज माई मग। बाय द वे, ये मग मुझे मेरी सासू माँ ने दिया है, शी गॉट दिस मग फॉर मी एंड दिस इज माई मग। सो गाइज, बी सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ नाइस डे, चाओ चाओ, बाय बाय।